लोगों का साफ साफ कहना है कि इससे ज्यादा बुरे दिन हो ही नहीं सकते। अच्छे दिन की बात करने वाले नेताओं, इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते। इस समय पीले वाले मेंढक अपने बिल से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि बरसात अधिक हो चुकी है, लेकिन करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा करने वाले वो नेता अब अपने घरों के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अगर सड़कों पर उतरेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, आखिर क्या यही वो विकास है, क्या ये वही वो अच्छे दिन है, क्या यही 9 साल बेमिसाल है कि लोगों को अपनी दुकानों पर ताला लगाना पड़े। अब की बारी सरकार से दुकानदार भाई इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अब भविष्य में इस सरकार को वोट नहीं। चरखी दादरी ICS कोचिंग सेंटर, वेयरहाउस रोड, MC कॉलोनी, चरखी दादरी। चरखी दादरी में जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पर हम मौजूद हैं और आप पानी देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी ऊंचाई है इसलिए पानी कम है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे जाएंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर पानी का सतर है। आखिरकार ये बताएं, कैसा विकास आज के दिन आप देख पा रहे हैं? विकास नाम जीरो है और हमारी दुकानों में दो दो तीन तीन फुट पानी है। आप पिछले साल भी नुकसान हुआ था, 2 साल पहले भी, और अब की बार भी बहुत मोटा नुकसान है दुकानदारों को। और एक हफ्ते तक जब मार्केट बंद रही थी, उम्मीद है कि अब की बार 10-12 दिन लग जाए। कोई भी नेता हमारी सूद लेने नहीं आया, बस हम दुकानदार आते हैं और अपने पानी में घूम फिर के चले जाते हैं और नुकसान की अपनी आंखों से देख के घर में रोटी तक नहीं बन रही। हमारे हालात ऐसे हैं। देखिए, चरखी दादरी में काफी ज्यादा बुरे हालात हैं, जल भराव की वजह से दुकानदारों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? अमित गोयल। आपकी दुकान भी बंद है? हाँ जी, बंद है, पानी है, 1.5 फुट तक पानी है दुकान के अंदर, नुकसान हो चुका है अब तक। और अभी ये तो पहली शुरुआत है, अभी तो बारिश और भी होनी है। अच्छा अमित, आज आप बताएं कितने अच्छे दिन आ चुके हैं? अच्छे बुरे इस तब अच्छा दिन है को नहीं, मर जाऊं वो बढ़िया। जी देखिए, जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप पीछे एक बार बाइक देखेंगे, बार बाइक सवार को देख लीजिए, बैलेंस नहीं भर पा रहा है, इतना ज्यादा पानी यहाँ पर है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, जल भराव कितना ज्यादा हुआ है, गाड़ियां तक रेंग कर चल रही है, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, लोगों का साफ साफ कहना है कि इससे ज्यादा बुरे दिन हो ही नहीं सकते। अच्छे दिन की बात करने वाले नेताओं, इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते। इस समय पीले वाले मेंढक अपने बिल से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि बरसात अधिक हो चुकी है, लेकिन करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा करने वाले वो नेता अब अपने घरों के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अगर सड़कों पर उतरेंगे तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, आखिर क्या यही वो विकास है, क्या ये वही वो अच्छे दिन है, क्या यही सरकार का 9 साल बेमिसाल है कि लोगों को अपनी दुकानों पर ताला लगाना पड़े। देखिए कितना जल स्तर हुआ है, आज तमाम जो शहर की दुकानें हैं वो जल भराव होने की वजह से बंद है। यहाँ तक कि रेहड़ी वाले हों, दुकानदार हों, आम लोग हों, पैदल फेरी वाले लोग हों, सभी के रोजगार पर जल भराव ने पानी फेर दिया है। लोगों का साफ साफ कहना है कि ये विकास है और इसी विकास के दावे की बात हर बार की जा रही है, अगर यही विकास है तो लोगों को ऐसा विकास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चरखी दादरी के जब अगले साल चुनाव होंगे, जी अगले साल चुनाव आएंगे, फिर मुद्दा ठाक लाएंगे, फिर ये वैसे एक ही मुद्दे पर कितनी बार वोट मांगेंगे? ये हजारों बार मांगेंगे, तो हमने वोट गिरना ही नहीं। अब हमारी प्रशासन से विनती है कि कम से कम ट्रैफिक को बंद किया जाए जिससे कि हमारे पानी जालों से अंदर नहीं जाए। जी जी बताएं। अब की बारी सरकार से दुकानदार भाई इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अब भविष्य में इस सरकार को वोट नहीं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।